हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि पहाड़ी राजमा को कैसे आसान तरीके से जल्दी पकाया जा सकता है। वक्त बर्बाद किए बिना हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम 2 कौली राजमा लेते हैं। राजमा को पकाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे राजमा बहुत जल्दी पक सकती है। इससे ना तो हमारा गैस ख़त्म होगी और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। टेस्टी भी बहुत बनेगी। आप भी मेरी तरह बनाकर देखिए। आप अगर मेरे तरीके से एक बार बनाओगे तो हर बार आप इसी तरीके से बनाओगे। पहले मैंने इसे देख लिया था, इसमें पत्थर पुत्थर तो नहीं है, कोई मिट्टी तो नहीं है। और अब मैं इसे धो रही हूँ अच्छी तरह, 2-3 पानी से धोना है। अब राजमा धोकर तैयार हो चुकी है पकाने के लिए। यहाँ मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए पहले। दोस्तों, दाल कोई भी हो चाहे सब्जी हो, अगर उसको बनाने का अच्छा तरीका हो तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने राजमा पकने को डाल दी थी और अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया जितना मैंने रखना था। और अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। और इसमें नमक भी डाल रही हूँ मैं पहले ही, और थोड़ा सा हींग भी डालूँगी। हींग इसको पकाने में बहुत हेल्प करेगा और ये वायु के लिए भी हींग बहुत अच्छी होती है। दाल में हम जो पहले ही नमक और हल्दी डालते हैं ये इसमें पूरी तरह रच जाता है और ना ही इसे उबलता है फिर, नहीं तो फिर पानी निकल जाता है ऊपर सीटी से अगर पहले नहीं डालेंगे आप। ये मैंने डाल दिया है, देखिए हींग भी। हींग मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून है। मैं तो ज़्यादातर हींग सब्जी में भी डालती हूँ और दाल में भी डालती हूँ। हम हमेशा हींग खाते हैं, हींग खाना चाहिए हमारे शरीर के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए हींग बहुत लाभदायक होता है। आजकल तो ठंड में बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं इसमें 2 सीटी लगा दूँगी, फिर इसे रेस्ट पर रखूँगी। तब 2 घंटे बाद फिर से इसमें 2 सीटी लगाऊँगी तो दाल पक जाएगी। दोस्तों, अब आती है तड़का लगाने की बारी। अब देखिए, दाल तो बहुत अच्छी तरह पक चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और तेल डाल दिया मैंने। ये देखिए, मैंने आपको चेक करवा दी है, दाल अच्छी तरह पक चुकी है और बहुत अच्छी तरह इसमें पानी में मिक्स भी हो चुकी है। थोड़ा इसको मैं दबा दबा के मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी भी ना लगती हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। आप कर ज़रूर दीजिएगा, मेरे को पता भी लग जाएगा कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही। ये हो चुका है मसाला तैयार, प्याज लहसुन और हरी मिर्च। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि पता चले कि कैसी हमारे को रेसिपी बनानी होगी। अब खाना बनाना तो हर आदमी के लिए ज़रूरी होता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आदमी हो चाहे औरत हो, जो भी हो, खाना बनाना सबके लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, धीरे धीरे मसाला भुन रहा है और मैंने इसमें धनिया जीरा भी डाल दिया है। अब थोड़ी देर में दूसरा मसाला भी डालेंगे। और जो ये देखिए, देगी मिर्च भी डाल दी मैंने और थोड़ी सी हल्दी भी डाल रही हूँ, डाल दी। अब टमाटर भी डाल दिए, मसाला भुन चुका है, अब टमाटर की ग्रेवी बनेगी। अब टमाटर को गलाने के लिए मैंने देखिए दाल का ही पानी लिया है, इसमें नमक मिला होता है इसीलिए टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैंने सूप डाला है, पानी डाला है इसमें। अब मैंने फिर ढक दिया था। अब देखिए, टमाटर गल चुके हैं और मैं इनको थोड़ा सा कच्ची से मैश कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मैश करना है जब तक इसकी पूरी ग्रेवी नहीं बन जाती तब तक। अब देखिए, मैं इसमें राजमा ऐड कर रही हूँ, मैंने सारी राजमा इसमें ऐड कर दी। दाल बनकर तैयार हो चुकी है। ये है पहाड़ी राजमा, ये पहाड़ों में मिलती है, पहाड़ों में उगाई जाती है। अगर आप चाहो तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।